हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं। अलग अलग जिलों में जाकर दीपेंद्र हुड्डा चुनावी हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अब तक ये यात्रा जींद, पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, करनाल जैसे जिलों तक पहुँच चुकी है। 4 दिन पहले करनाल से किया, 15 तारीख, उसके बाद मेरा मानना है कि तब ये अभियान था हरियाणा मांगे किसान अभियान। उसके बाद जब ये कार्यक्रम पहुंचा यमुनानगर में अगले दिन महाअभियान का रूप ले लिया, अम्बाला में पहुंचा तो एक आंदोलन का रूप ले लिया, कल राई और पानीपत ग्रामीण में पहुंचा तो एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया, और आज जुलाना में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है, ये मैं कह सकता हूँ आपको, आपने देखा होगा। कांग्रेस के हरियाणा मांगे जवाब अभियान को लेकर भाजपा आक्रामक नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में अब तक हुए विकास कार्यों की पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से 11 सवाल पूछे हैं। पहला, कितना पैसा गांवों के लिए खर्च किया? दूसरा, नौकरियां किस आधार दी जाती थी? तीसरा, कांग्रेस शासन में कितने गाँवों में बिजली दी गई? चौथा, गाँवों में पानी की व्यवस्था के लिए क्या काम किया? पांचवा, आपके शासन में तबादलों में जो भ्रष्टाचार होता था उसमें कितने रुपए लेते थे? छठा, केंद्र एवं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी सिलेंडर के लिए 3 दिन की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ती थी? सातवा, बेटियों की शिक्षा के लिए कांग्रेस शासन में क्या किया गया? आठवा, प्रधानमंत्री फसल योजना में फसल खराबे के अंतर्गत कितना पैसा दिया? नौवा, बुजुर्गों को 10 वर्ष में कितनी पेंशन दी जाती थी? दसवां, बुजुर्गों को पेंशन लगवाने के लिए कार्यालयों के 6 महीने तक क्यों चक्कर लगवाते थे? ग्यारहवां, कांग्रेस सरकार ने कितनी फसलों को MSP पर खरीदा? कुल मिलाकर हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन असली हिसाब तो जनता जनार्दन को ही करना होता है। सूर्या समाचार के लिए जींद से सुनील, पानीपत से दीपक, सोनीपत से सन्नी, अम्बाला से नरेश और करनाल से हिमांशु की रिपोर्ट।